20। सोचा था इतना ट्रैवल करूंगी, इतना ट्रैवल करूंगी कि ट्रैवल कर करके आग लगा दूंगी। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। मैंने सोचा था नया पासपोर्ट बनाऊंगा, सारे पेजेस भर जाएंगे पासपोर्ट के। इतनी मस्त पिक्चर है ना। हाँ, बस हफ्ते में छठी बार तो देख रहे हैं। अभी ये उसका मालिक उसका खून कर देगा, उसके बाद पुलिस आएगी और उसे पकड़ के ले जाएगी। कितनी बार तू पिक्चर एंजॉय कर, मुझे चिप्स दे। मैं नहीं दे रही यार, प्लीज। हर्ष प्लीज यार, ये आखिरी पैकेट है, बाहर लॉकडाउन लगा है, प्लीज यार। तू ले आई हो क्या, हो गया थोड़े बहुत डंडे खा लियो। जैसा सोचो वैसा होता ही नहीं है। रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस हो गया, स्कैम 2020 हो गया हम सबके साथ। अभी हम मनाली में है राइट नाउ, और अभी आपने देख लिया एक छोटा सा रीकैप, मतलब सोचते क्या और होता क्या है। तो इस साल हर्ष तूने क्या रेजोल्यूशन बनाया, तुझसे ही स्टार्ट करते हैं। यार इस साल ना मैंने ना कोई भी रेजोल्यूशन नहीं बनाया, क्योंकि जो बनाओ वो पूरे तो होते नहीं। करेक्ट बोला रे। फिर भी कुछ ना कुछ स्कैम हो जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, इसलिए नो रेजोल्यूशन। लाइफ जैसे लेके जाएगी वैसे चल पड़ेंगे, दैट्स इट। ये अब्दानी है, ज्ञानी है, अंतर्यामी है, बहुत बड़े स्वामी है। चलो ये तो कुछ ज्यादा ही मतलब अलग थिंकिंग हो गई, बट फिर भी वी शुड बी पॉजिटिव। आई होप ये साल बहुत अच्छा हो, और पता करते हैं सबके क्या रेजोल्यूशंस हैं। चलो चलते हैं, मम्मी पापा भाई। और तू ये सोचना हम क्या सोच के आए कि मनाली जा रहे हैं, बर्फ पड़ेगी, स्नो में खेलेंगे। आपको बर्फ दिखाते हैं, पता नहीं क्या क्या करेंगे। एक मिनट, बर्फ दिखाते हैं आपको। और हुआ क्या, बर्फ पड़ी हुई है बाहर, इतनी तेज बर्फ पड़ी हुई है भाई, मैं पिघल जाऊंगी, मेल्ट हो जाऊंगी। मतलब लिटरली 4-5 बूंद बाल्टी यहाँ पे बर्फ पड़ी हुई है, बाकी पूरा खाली है। दिल्ली में ठंड है यहाँ से ज्यादा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है मैगी इंसान, मैगी ढूंढते रहते हैं। पापा चाय पी रहे हैं, मम्मी तैयार हो रही है, हर्ष यहाँ पे खड़े हैं, एंड मिस्टर ट्रिगर इंसान सबसे ज्यादा स्मार्ट हैंडसम यहाँ पे बनके यही बैठे। तो बताइए पोज देते हुए, आपने जो वीडियो के लिए बिल्कुल नहीं दिया, कि आपका रेजोल्यूशन क्या है? मैं इस साल टिकटॉकर बनूंगा। लगता है ये पागल हो गया। पर टिकटॉक तो बचा ही नहीं, इसके लिए तुम्हें फॉरेन जाना पड़ेगा। मैं टकाटकर बनूंगा। मैं मोजर बनूंगा, मोजर। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। तो फिर तू लोगों को मतलब बता रहा है बेसिकली कि तू टकाटक पे ऑफिशियली आ रहा है। हम इसको फेम हाउस में भेजेंगे। हाँ जी, तो क्या आपका क्या रेजोल्यूशन है इस साल का? एक्चुअली मेरा पिछले साल का रेजोल्यूशन ये था कि मैं कच्ची मैगी खाऊंगा। हाँ? इस साल रेजोल्यूशन है कि इसको बना के खाऊंगा। ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी कुछ सेंस लगा इस बात का। पेट के अंदर मैगी का पेड़ उग चुका है, अभी उग रहा है मैगी इंसान। मम्मी आप बताओ क्या रेजोल्यूशन आपका इस साल का? 1 मिलियन पार करने की बात YouTube से शुरू होती है। पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ, मतलब हम लोगों ने ना एक दूसरे के फोन में ऐप डाली हुई है देखने के लिए कि हमारा ना टोटल फोन पे कितना सोशल मीडिया ड्यूरेशन होता है। मम्मी 9 आवर्स फोन पे लगी रहती है, जिसमें से कि 6 आवर्स वो यूट्यूब पे होती है। कभी बॉन्डर साहब की वीडियो देखनी, कभी फुकरा इंसान की, कभी लाइव इंसान की, कभी ट्रिगर इंसान की, तो कभी अपनी भी देखनी होती है। एक्सक्यूज है ये। तो बड़े लोग बच्चों को कहते थे कि फोन इतना यूज़ फोन यूज़ कर रहे हैं। मैं अपनी मम्मी को कहता हूं, मम्मी इतना फोन मत यूज करो करो यार। तो इंसानों के बाप पिताजी हमारे पापा, आपका क्या रेजोल्यूशन है पूरे दिन पूरे 2021 में? चाय पीते रहना। मेरा रेजोल्यूशन है यूट्यूब इंडिया फले फूले और मेरे बच्चे फले फूले। यूट्यूब इंडिया को दुआएं दे रहे पापा, सुन रहे हो ना यूट्यूब? कैमरा दे इधर। ओके यार, तू सबका रेजोल्यूशन पूछ रही है, तेरा क्या रेजोल्यूशन है ये बता। मेरा रेजोल्यूशन तो यार कुछ ऐसा होना चाहिए, फिल्में कर लेंगे यार। अरे मुझे चक्कर आने लग गया यार। मुझे मूवीज में आना है, ये मेरा रेजोल्यूशन है। आजकल यूट्यूब पे आ रहे हैं, तुझे मूवीज में आना है। हाँ तो फिर ठीक है, मैं अपना रेजोल्यूशन चेंज कर रही हूँ। चुप, बैठो चुप। मेरा रेजोल्यूशन है कि मैं इस साल वीडियोस बनाऊंगी यूट्यूब पे रेगुलर। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। रेगुलर, समझ रहे हो ना आप? रेगुलर, और फालतू की चीजों पे पैसे वेस्ट नहीं करूंगी। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। ये तो बहुत ही बकवास रेजोल्यूशन है। ये क्या था? We are expecting something good, something brilliant. मतलब कुछ होगा जिसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। इस साल मैं इससे कम लड़ाई करूंगी, ये मेरा रेजोल्यूशन है। Oh shit! No! ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है।
तो गाइस फाइनली हम उनो खेलने के लिए सारे बैठ रहे हैं। उनो ना ट्रुथ एंड डेयर, अभी तो ट्रुथ एंड डेयर एक्चुअली बच्चे खेलते हैं। उनो बड़ा जरूर हो गया है, लेकिन फिर भी तू छोटा है। ट्रुथ एंड डेयर खेल रहे हैं हाँ। तो मैं नहीं खेल रहा ये लोग। अरे यार बस कर, आपके जवाब का ट्रुथ चाहिए मुझे। तो गाइस अब हम खेलने वाले हैं ट्रुथ एंड डेयर गेम, मतलब न्यू ईयर का पहला दिन है तो कुछ अच्छा करते हैं, इंटरेस्टिंग करते हैं। जाओ लेट्स स्टार्ट गाइस। देखते जाओ वेट एंड वॉच, सबकी ट्रुथ बाहर आएगी। तो पहली टर्न मम्मी की आ गई है बॉटम। चलो ट्रुथ, तो आपको हमें एक डायलॉग बताने अपनी फेवरेट मूवी का। आपकी मूवी का कोई फेवरेट डायलॉग सुनाओ हमें यहाँ पे। मेरे को मम्मी का फेवरेट डायलॉग बताया क्या, साली गंदी औलाद ना मजा ना स्वाद। डायलॉग मेरे को नहीं याद, पर मेरे को वो कभी खुशी कभी गम में जब वो शाहरुख खान आता ना बैग लेके। थ्री टू वन घुमा दो। अभिषेक तुलू तोल देयल, बता भाई क्या करना चाहोगे? ट्रूथ मत मांग लियो, तेरा तो सब कुछ एक्सपोज हो जाएगा यहाँ पे। डेयर ये डर होना चाहिए। ट्रूथ से बहुत डर लगता है। गिव अ केस टू द फर्स्ट पर्सन हु एंटर द रूम। अब इस रूम में तो कोई नहीं आएगा, वेटर ही आएगा सिर्फ। वेटर को बुलाए, वेटर को किस करेगा? मम्मी आ गई रूम में। ये क्या यार, ये तो चीटिंग हो रही है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। अब कोई मैं क्या कोरोना में वेटर की पप्पी ले लूं? ये भी ठीक है, चलो नेक्स्ट टर्न लेट्स गो। अबे मेरी बारी है और मैं चूज करूंगा डेयर। डेयर और डेयर है Call your crush and sing, I can't help falling in love with you. Oh! तो ये तो actual में भाई lol हो गया है। निश्चय को अपने crush को call करके अभी गाना सुनाना पड़ेगा। क्या करोगे? अभी तो I don't have any crush. चल झूठ। मोमीना मस्त हसन का नंबर है नहीं। तो voice note भेज। Voice note भेज। अबे ब्लॉक मार देगी, थोड़ी सी शर्म करो। तो गाइस आप देख सकते हो इनमें से कोई भी अपनी डेयर सही से पूरी नहीं कर रहा है। हमने करा, ये फॉरफिट कर रहा भाई। नहीं इसने वेटर को किस करी क्या? रुको, ये बात बिल्कुल सही है। कोविड में वेटर को पप्पी लेता मैं, केस कर देता मैं। तेरा भी टाइम मेरे पे आएगा ही नहीं। गेम तो मैं खिला रहा हूँ, डीलर ऑलवेज विंस। क्या कहा, किस पे फोन ला रहे हो? है ही नहीं ना, कोई फोन में लड़की नहीं है। ओ माय गॉड सैड लाइफ। ये मोमीना मुस्तेसन को मैसेज कर देता हूँ ठीक है? क्या? आई लव यू, आई एम फॉलिंग इन लव विद यू। गाइस ये एक्चुअल में लिख रहे हैं, ये सच में टाइप कर रहे हैं। मतलब सीरियसली अगर मोमीना इसका नोट एक्सेप्ट कर लेती है तो वी कैन बी रिलेटिव। सीरियसली भेज दिया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इसने एक्चुअल में भेजा है गाइस, इसने भेज दिया। आप बहुत मस्त। अरे मोमीना दीदी आप बहुत मस्त हो। दीदी भी लिख देता अनसेंड का ऑप्शन नहीं आ रहा। अनसेंड नहीं कर सकता तू, ऑप्शन ही नहीं आ रहा अभी तक तो सेंड नहीं हुआ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड टुरुला। चलो 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 यार गेम खत्म करते हैं। नेक्स्ट अब चीजों के ऊपर फिर से मम्मी की बारी। अभी आप डेयर करके दिखाओ हमें। ट्रूथ में बहुत बोरिंग काम करते हैं, चलो डेयर करके दिखाओ। गिव अ बॉडी और फुट मसाज टू अ पर्सन नेक्स्ट टू यू। अरे यार इसके मजे आ गए, ये क्या? देख सकते हो यहाँ क्या चल रहा है, इस बंदे के मजे हो चुके हैं यार। ये तो गलत है यार, बहुत बुरी मसाज। सबसे ज्यादा इसका मन करता है मसाज कराने का, आते ही होटल में बोला कि मसाज कराऊंगा। इनको तो 20 बार मसाज पसंद है। अश्लील है ये लौंडा। ये छोरा मेरे पे आई नहीं रहा, अश्लील है ये। अबे अब हर्ष पे आने से बहुत हो गया। नहीं नहीं अब हर्ष पे आने से। नो यस हाउ शिट। ओ भाई हर्ष पे आना चाहिए। डियर डियर Dare. अरे यार I dare you to stick your head out of the window. तो हर्ष अपना सिर बाहर निकाल रहा है विंडो से। बस इतना टुच्चा सा डेयर, पैसा बर्बाद। अपने मुंडी मजा नहीं आ रहा इस डेयर में। ठीक है मैं तो बाहर देख रहा हूँ, अभी मैं मुंडी कैसे निकालू? ऐसे निकाल ना बस। ये तो बहुत ही आसान डेयर था। आई एम एंजॉइंग दिस गेम, मजा आ गया। ये सब इस तलाश में कि मेरे पे आए पर मेरे पे आएगा ही नहीं। प्रेरणा प्रेरणा लव इट कैमरा। ओके ट्रुथ या डेयर? मैं ट्रुथ की तलाश में रहूंगी। यस हाउ मेनी टाइम्स डू यू स्टोल मनी विदाउट परमिशन ऑफ योर पेरेंट्स? मैं बता रहा हूं बचपन में इसके पैसे
जब कोई चोरी हो जाती थी ना तो मेरे पे नाम ला देती, नाम बताओ ना, मेरा नाम ला देती और कसम से सच बोल दे मेरे इतने पैसे चुराए इसने, मैं कभी कुछ नहीं कहता था। आज बता, आज बता, चोर ने चश्मा पहन लिया? मैंने चश्मा पहन लिया है क्योंकि हो सकता है मैंने 10-20 रुपए काफी बार मम्मी पापा के मांगे हो दादाजी के, ये देख लो। और आप कहते हैं ना पैसे कहाँ गए, वो ये थी चोरी। और पूरी जिंदगी सहता मैं गया। हमारे दादाजी के ना वो पैसे जो थे वो बेड के गद्दे के बीच में बड़े होते थे तो वहां से चुराती थी। मुझे आज भी याद है कि मैंने एक शॉप से बचपन में कोई लॉलीपॉप उठा लिए थे, वो मेरी लाइफ का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट था। और मम्मी के 10-20 रुपए तो मैंने बहुत बार मारे होंगे, मुझे भी नहीं पता होगा। और मम्मी ने सब कुछ हुआ है बट इस बंदे के साथ बहुत गलत हुआ, चोर पकड़ा ही जाता। Excuse me, मेरे बहुत पैसे ये चुराता था, 10-10, 20-20 रुपए निकाल लेता था, मुझे पता ही नहीं चलता था। तो ये पापा मम्मी से चुराती थी, मैं इससे चुरा लेता था तो वो बैलेंस हो जाता था। अब क्रोनोलॉजी समझ लीजिए यार, मैंने पापा के तो नहीं कभी चुराए यार, मम्मी के तो मैं वैसे ही उठा लेती थी 10-20 रुपए। यू कांट कॉल इट चोरी, नहीं अब तो बिल्कुल भी नहीं, यू कांट कॉल इट चोरी यार, नो। मुझे नहीं खेलने है गेम, मैंने किसी की चोरी चूरी नहीं करी है, मैं नहीं करती, मैं अच्छी बच्ची थी बचपन में। और गाइस यहीं पे खत्म करते हैं इसको वीडियो को, ये सब तो मेरी हमें मिलके पागल बना रहे हैं। आई होप यू गाइस एंजॉय द फर्स्ट व्लॉग ऑफ 2021 एंड अगर अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नई नई वीडियोस आती रहेंगी। बाय बाय।